वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पता करते हैं कि किस टाइप की कंपनियां होती हैं और हम जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो कैसे पता करें कि हमें कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है ओपीसी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यानी कंपनी दो है, एक प्राइवेट लिमिटेड और एक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में दो है, एक ओपीसी वन पर्सन और एक प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड में पब्लिक लिमिटेड। चलिए इसको पता करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्रोस्पेक्टस, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, पब्लिक डिपॉजिट एंड नेम। देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ मेंबर की बात करें, अगर ओपीसी में वन पर्सन कंपनी में, तो जैसे नाम में लिखा है वन पर्सन यानी एक व्यक्ति, तो मिनिमम आपको एक व्यक्ति चाहिए और मैक्सिमम भी एक ही व्यक्ति होगा मेंबर, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम दो चाहिए, मिनिमम आपको दो मेंबर और मैक्सिमम 200 इसके अंदर रेस्ट्रिक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। पब्लिक लिमिटेड में आपको मिनिमम 7 नंबर चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड नंबर चाहिए, ठीक है, कितना भी आप अनलिमिटेड कर सकते हैं इस केस में। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें कि किस तरह से आप ट्रांसफर ऑफ शेयर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओपीसी में नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट लिमिटेड में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी रेस्ट्रिक्टेड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड में रेस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड में क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड में दो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है लिस्टेड कंपनी और एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अनलिस्टेड कंपनी में जो है रेस्ट्रिक्टेड है बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड, प्रोस्पेक्टस में इसमें क्या है, वन पर्सन कंपनी में प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड में भी प्रोस्पेक्टस नॉट इशूड, इसमें भी आप नहीं करते हैं। पब्लिक लिमिटेड में आप प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर। आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, इनके शेयर जो खरीदते हैं, तो इस टाइप की जो ये कंपनियां प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं पब्लिक में, ताकि पब्लिक इसको शेयर को सब्सक्राइब कर सके, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है, ओपीसी में नॉट ऑफर्ड, इसमें आप ऑफर नहीं कर सकते, प्राइवेट लिमिटेड में भी नहीं कर सकते। और शेयर कैन बी ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, लिस्टेड कंपनी में जैसे हमने ऊपर बताया कि आप सब्सक्रिप्शन ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को, ताकि आप उनके शेयर सब्सक्राइब कर सकें। नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए, इन तीनों केसेस में अलग अलग पता करते हैं। ओपीसी में वन पर्सन चाहिए आपको डायरेक्टर और मैक्सिमम 15, प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम 15, और पब्लिक लिमिटेड में आपको चाहिए यहाँ पे 3 और मैक्सिमम चाहिए 15, ठीक है। एक नोट है, डायरेक्टर मिनिमम 1 ओपीसी में, इसमें 2, इसमें 3, मैक्सिमम तीनों में 15 है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा है, आपको याद रहेगा कि मैक्सिमम जो है तीनों केसेस में 15 चाहिए, ठीक है जी, 15 डायरेक्टर, ओके। अलॉटमेंट ऑफ शेयर का अलॉटमेंट कैसे होगा, नॉट एप्लीकेबल ओपीसी में। शेयर मे बी अलॉटेड बाय एज डायरेक्टर डिसाइडेड, ठीक है जी। थर्ड में, फाइनल में, पब्लिक लिमिटेड में क्या करते हैं, लिस्टेड कंपनी क्या है, ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव। इसमें लिस्टेड कंपनी को अगर उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है तो वो कर सकता है। अनलिस्टेड कंपनी बाय डायरेक्टर डिसाइडेड, इसमें डायरेक्टर डिसाइड करेगा अनलिस्टेड कंपनी में। देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी दो टाइप की होती है, एक होती है लिस्टेड, एक होती है अनलिस्टेड। जब भी शेयर आपको खरीद बिक्री करते हैं तो लिस्टेड कंपनी से आप खरीदते हैं, दोनों ही पब्लिक लिमिटेड है, पहले वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी फिर वो लिस्टेड होगी, ठीक है। आप प्राइवेट लिमिटेड को शेयर नहीं खरीद सकते हैं पब्लिक में जैसे आप खरीदते हैं, तो उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड से पहले उसको लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वो लिस्टेड होगी, तब आप उसके शेयर खरीद सकते हैं पब्लिक में। अब बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब कि कंपनियां पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ओपीसी नहीं कर सकती, प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं कर सकती, पब्लिक लिमिटेड में क्या, इट कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये करती है। इसीलिए ज्यादातर बड़ी कंपनियां पब्लिक लिमिटेड को ऑफर करती है, ताकि वो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। अब देखते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी ओपीसी है और कौन सी प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी लिमिटेड कंपनी है। द नेम उसके क्या है, द वर्ड ओपीसी इज यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ नेम, यानी उसको जो है ओपीसी वर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं, ए बी सी ब्रैकेट में लिखेंगे ओपीसी,
प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे कि ये ओपीसी कंपनी है, ठीक है। दूसरा है द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इज आर यूज पार्ट ऑफ नेम, इसमें कैसे करेंगे, ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड इस तरह से, और द वर्ड लिमिटेड इज यूज जैसे ए बी सी लिमिटेड, ठीक है। तो ये इन वर्ड से आप पता कर सकते हैं कि किस टाइप की कंपनी है। चलिए थोड़ा सा एक पता करते हैं कि ओपीसी कंपनी के बारे में और भी बता दें आपको। ओपीसी कंपनी जो है वो आप कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, नन बैंकिंग के लिए भी नहीं कर सकते हैं। इट्स पेड अप नॉट मोर देन 50 लाख, इसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ। एवरेज अमाउंट जो है टर्नओवर जो है वो 3 साल का 2 करोड़ से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए। यह है ओपीसी की कुछ रेस्ट्रिक्शंस। अब ऑथराइज कैपिटल की बात कर लेते हैं जरा। तो ऑथराइज कैपिटल ओपीसी में 1 लाख रुपीज और प्राइवेट लिमिटेड में भी 1 लाख रुपीज एंड पब्लिक लिमिटेड में 5 लाख रुपीज जरूरी है, ठीक है। कुछ कुछ बातें आपको बता दें, थोड़ा याद रहेगा आपको। मेंबर और डायरेक्टर अलग होते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखें, यहां गलती ना करें, बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। मेंबर जो होता है वो इसमें मिनिमम 1, इसमें मिनिमम 2 और इसमें मैक्सिमम 200 एंड मिनिमम पब्लिक में 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। डायरेक्टर की बात करते हैं, मिनिमम 1 ओपीसी में, इसमें 2, इसमें 3, मैक्सिमम तीनों पे इसमें 50। यहां मैं गलती करें मेंबर में और डायरेक्टर में, ओके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।